नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अप्रैल मई के महीने में कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और उनसे अगले 2-3 महीने के अंदर ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, मैं कुछ 10-12 वेजिटेबल्स के नाम बताऊँगा जिन्हें आप इस समय अपने गार्डन में अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो अभी भी उन्हें लगाया जा सकता है और उनकी थोड़ी बहुत केयर के साथ उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ली जा सकती है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो पहला वेजिटेबल है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है बैंगन का पौधा। दोस्तों बैंगन को आप अभी लगा सकते हैं और करीब 2.5 से 3 महीने के अंदर बैंगन आपको हार्वेस्टिंग के लिए फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, ये मेरा बैंगन का पुराना पौधा है, इसमें मैंने ये देखिए सीड्स के लिए छोड़ रखे हैं 1-2 बैंगन, तो इनसे मुझे सीड मिलेगी और फिर मैं इन्हीं सीड्स को अब दोबारा से सो करूँगा ताकि मुझे इससे नए पौधे मिल सकें। तो आप बैंगन को लगा सकते हैं। बैंगन को लगाने के लिए आपको कम से कम 12 इंच या उससे अधिक 15 इंच के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं और 15 इंच के ग्रो बैग में अगर आप बैंगन का पौधा लगाते हैं तो एक ग्रो बैग में एक पौधा लगाएंगे तो आपको अच्छी ढेर सारी बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो पहला पौधा दोस्तों बैंगन का है जिसे आप अपने गार्डन में अभी जगह दे सकते हैं। फिर जो हम दूसरे पौधे की बात करें दोस्तों तो वो है मिर्च का। मिर्च हम सभी के घरों में डेली यूज होने वाली वेजिटेबल है, तो मिर्च भी हम अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं और बहुत ही अनुकूल टाइम होगा ये मिर्च लगाने का, इससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी भी। तो मिर्च भी आपको 2 से 2.5 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। मिर्च लगाने के लिए भी आपको कम से कम 12 इंच का ग्रो बैग या 15 इंच का लेते हैं तो और बेटर होता है। तो 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में आप मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। ये जो भी वेजिटेबल्स मैं बता रहा हूँ आप इसको पहले इनकी सीडलिंग तैयार कीजिए फिर इन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कीजिए। 20-25 दिन के बाद जब इनकी कुछ करीब 6 इंच की हाइट हो जाती है पौधों की तो इन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ये देखिए नीचे मिर्च लगी हुई है और ऊपर नई ग्रोथ जो हो गई है उसमें देखिए ढेर सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऊपर भी मिर्च लगने लगी है तो आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च के बाद दोस्तों जो तीसरा पौधा मैं बताता हूँ आपको वो है दोस्तों भिंडी की। ये देखिए भिंडी मैंने खुद भी अभी सीडलिंग करी हुई है, ये मेरे करीब 10 दिन पुराने पौधे हैं, तो भिंडी भी आप लगा सकते हैं। भिंडी के लिए भी आपको कम से कम 12 इंच की गहराई का पॉट चाहिए, ग्रो बैग चाहिए, तो 12 इंच की गहराई के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। ये मेरा 6x3 का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है जिसकी गहराई 1 फुट है 12 इंच, तो इसमें मैंने भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं तो आप भिंडी अभी लगा सकते हो। भिंडी 2 महीने के अंदर आपको वेजिटेबल प्रोड्यूस करने लगाती है तो आप 2 महीने के अंदर आप भिंडी हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों अब हमारे आते हैं कुछ लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर जिन्हें हम अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं और उनसे अपने परिवार को फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल दे सकते हैं। तो इस कड़ी में दोस्तों लीफी वेजिटेबल्स में जो पहला वेजिटेबल मैंने सेलेक्ट किया वो है पालक। आप देखिए ये पालक को इस तपती गर्मी में कैसे लगाएं, मात्र 2 दिन में पालक जर्मिनेट होगा। अगर डिटेल वीडियो आपको देखनी हो तो चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप देखिए ये पालक, ये मेरी 10-11 दिन पुरानी पालक है ये, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जर्मिनेशन और कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें दिख रही है। तो चूंकि पालक और जो ये लीफी वेजिटेबल्स हैं ये सर्दियों की वेजिटेबल्स हैं पर इन्हें गर्मियों में भी उगाया जा सकता है, हम रूफ टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इसे हम उसके अनुकूल बनाकर इसे उगा सकते हैं और इससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। फिर दोस्तों पालक के लिए मैं बताऊँ आपको कम से कम 6 इंच की डीप गहराई वाला ग्रो बैग चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो ये मच बेटर होता है, लेकिन 6 इंच की गहराई की अगर मिट्टी दे देते हैं आप पालक को तो उसमें पालक अच्छी ग्रोथ करती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए ये लाल चौलाई है जो हमारे ग्रो बैग में लगी हुई है, तो आप लाल चौलाई भी आराम से अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं और अपने टेरेस पे इससे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो चौलाई के लिए भी जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों इनके लिए 6 इंच की गहराई का पॉट अगर आप यूज करते हो या ग्रो बैग यूज करते हो तो मच बेटर है। ये देखिए मेरा 12 इंच का ग्रो बैग है पर मैंने इसे आधा ही भरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आधा भरा है आधा खाली है, तो उसमें 6 से 7 इंच के करीब मिट्टी मैंने डाली हुई है और उसमें मैंने ये चौलाई
लगाई हुई है। तो आप लाल चौलाई लगा सकते हैं। इसके अलावा इधर देखिए ये हरी वाली चौलाई है जिसे अमरांथस भी बोलते हैं, तो हरी चौलाई भी लगा सकते हैं। इनके लिए जो लीफी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों, इनके लिए चाहिए क्या कि आपको बस वाटरिंग जो है इसमें नमी बना के रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें नमी बना के रखना होता है हमें, ताकि जो इनके पत्ते हैं ये झुलसे नहीं, खराब ना हों। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं धनिया पे। हम नेक्स्ट वेजिटेबल से धनिया, उसे हम लगा सकते हैं अपने ग्रो बैग में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे धनिया है। धनिया भी आप अपने ग्रो बैग में इस समय लगा सकते हैं, बस उसे थोड़ा छाया दे, डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन की धूप ना दिखाएं, और वाटरिंग का खास ख्याल रखें, पौधे में नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी में। तो धनिया के लिए भी आपको कम से कम 6 इंच की गहराई वाला ग्रो बैग चाहिए, और 6 या 8 इंच की गहराई का ग्रो बैग देते हैं तो और भी अच्छा होता है। तो धनिया देखिए कितनी हरी है, हरी भरी धनिया आपको अपने टेरेस पे मिलती रहेगी। इस प्रकार आप धनिया लगा सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है पुदीना। पुदीना लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए भी आपको कम से कम 6 इंच की गहराई का पॉट ले लीजिए, या फिर किसी बोतल में लगा लीजिए, कैसे भी लगाएं, पुदीना बहुत ही आराम से लग जाता है। तो पुदीना के लिए आप कहीं से कटिंग मिल जाए उन्हें ले आके लगा दीजिए, और वाटरिंग करते रहिए, धूप में रखिए इस पौधे को, बहुत ही अच्छे से चलेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो पुदीना ज़रूर लगाएं दोस्तों इस धूप में और इस गर्मी में। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वेजिटेबल, जो कि क्रीपर वेजिटेबल्स हैं, बेल वाले पौधे, जिनमें मैं पहले स्थान पर रखता हूँ आपको लौकी। आप लौकी भी अभी इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं उनकी सीड्स, और उससे आप बरसात में अच्छी फसल मिलेगी जून जुलाई में। तो आप लौकी को लगा सकते हैं। लौकी लगाने के लिए कम से कम आपको 18 इंच का ग्रो बैग चाहिए। ये मेरा दोस्तों 5 फुट बाई 2 फुट बाई करीब 18 इंच का गहराई का ग्रो बैग है। कहने का मतलब इनकी रूट्स जो होती हैं, क्रीपर वेजिटेबल्स जो होती हैं, इनकी रूट्स काफ़ी नीचे तक फैलती हैं, तो इनको मिट्टी थोड़ी ज़्यादा चाहिए हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप लौकी भी लगा सकते हो, और लौकी लगाने के लिए मैंने आपको जैसे बताया 18 इंच की गहराई का ग्रो बैग चाहिए, उसमें आप 1 से 2 पौधे लौकी के लगा सकते हैं, और उसमें फिर आपको उसे आप सहारा दे दें फैलने के लिए, उसकी बेल जो फैलती हैं वो फैल जाएंगी, फिर उसमें आपको ढेर सारी लौकी तोड़ने को मिलेगी। फिर इस कड़ी में दोस्तों नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारा करेले का। ये देखिए करेला मैंने एक भी ग्रो बैग में 2 पौधे लगाए हुए हैं, 18 इंच का ग्रो बैग है ये मेरा, और आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। और मैं आपको दिखाऊं, अगर दिखाई दे रहा हो, थोड़ी धूप ज़्यादा है, तो देखिए करेले लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो ढेर सारे करेले लगने लगे हैं अभी। तो अभी भी आप करेला लगा सकते हैं, और ये आपको जून जुलाई तक ढेर सारा करेला इससे हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगा। तो करेले के लिए भी जो भी क्रीपर वेजिटेबल्स आप लगाएं, उसके लिए ध्यान रखें कि 18 इंच का कम से कम ग्रो बैग लें, और उसमें 1 से 2 पौधे ही लगाएं। तो आप करेला भी लगा सकते हैं इस समय गार्डन में, और उससे 2-2.5 महीने के बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट है, ये मेरा 56 कद्दू का वैरायटी है। आप कद्दू जो क्रीपर वाले हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए आप थोड़े बड़े साइज़ का ग्रो बैग यूज करें, कम से कम 24 इंच का, क्योंकि कद्दू की बेल रूट जो है वो ज़्यादा फैलती हैं। तो आप कद्दू इस समय अपने यहाँ टेरेस पे लगा सकते हैं, और अगर आप 56 कद्दू मिल जाए तो ये और भी बेहतर होता है। ये बुश टाइप का थोड़ा पौधे में लगता है, और बहुत ही अच्छी इसमें आपको पैदावार मिलती है। तो ये आप 56 कद्दू भी लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे। तो दोस्तों अगली सब्जी है ककड़ी की। ये ककड़ी भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, खास करके गर्मियों के सीजन में इसे मई जून तक लगाया जा सकता है। तो अच्छी खासी ककड़ी आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लगेगी। ककड़ी लगाने के लिए देखिए, मैंने इसे 24 इंच के ग्रो बैग में लगाया है, इसमें 5 पौधे लगाए हैं मैंने। आप 18 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, 2 पौधे या 3 पौधे बड़े अच्छे से चलती हैं, और ढेर सारी ग्रोथ इसमें मिलेगी। बस आपको वाटरिंग का खास ख्याल रखना है इसमें ककड़ी लगाने के लिए। तो ये ककड़ी भी आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फिर दोस्तों मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कि ये अभी आप अरबी और अदरक, ये 2 पौधे हैं जो वेजिटेबल हैं, आप अभी अपने ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। ये करीब 7 से 8 महीने लेते हैं प्रोड्यूस करने में, इनकी मैच्योर होने में इनकी फसलें। तो आप अभी अपने ग्रो बैग में अरबी और अदरक को भी जगह दे सकते हैं। मैं इसकी सीडलिंग करने जा रहा हूँ, जब सीडलिंग करूँगा तो मैं उसकी भी आपको वीडियो साझा करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप अभी अरबी और अदरक भी
अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वेजिटेबल्स थी जिन्हें आप अभी भी अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग अगले 2 से 3 महीने में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।